गिची फिर से पी हो गए काट गिची आराम नाल अख पड़े ने चलो जी फ्रेंड्स ये पहले तो एक ग्रिल है, इसकी परली तरफ भी एक ग्रिल है, दरमियान में ये एक ठंडी जगह इनके लिए बनाई है ये नए जो मेमने आए हैं। और यहाँ पे इनका टोका मशीन है। अरे ना लड़ो यार, क्या हो रहा है, चलो ओए हट, चलो हर वक्त लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या हो गया भाई। ये टोका मशीन लगाई है और यहाँ पे थोड़ी सी ईंटें रख के एक जुगाड़ सा बना दिया है और यहीं पे इनका घास डाल देते हैं, ज़ाया नहीं होता। ये इसी ग्रिल के इतना इसमें गैप है कि अपनी सिरियाँ निकाल के ये सुकून से ये सारा खा लेते हैं चारा, और ज़ाया भी नहीं होता। और ये बड़े डिसिप्लिन तरीके से ये अपना पेट भर रहे हैं और यहाँ पे ये सुकून में भी हैं और घास भी ज़ाया नहीं हो रहा, ग्रोथ भी अभी इनकी अच्छी हो गई है। तो ये जुगाड़ आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। एक छोटी सी फार्मिंग स्टार्ट की है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ेगा। तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू। बल्कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, उस तरफ बड़ा ये जो उस तरफ जो ग्रिल है, उस तरफ उस ग्रिल से उस पार फिर बड़ी बकरियों का वो डरबा सा समझ लें, जो भाना सा है, जो जगह सी बनाई है, ये सारी कच्ची मिट्टी की बड़ी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। और छत इसकी देख लें आप, अक्सर दोस्त पूछते हैं जी छत किस चीज़ की डाली है। छत आपको लकड़ी की और ये काने होते हैं पत्तल जिसे कहते हैं, उनकी डालनी होगी ताकि ऊपर से हीट ना आ सके, हीट की वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं। और कच्ची दीवारें हैं मोटी, ये भी हीट एब्जॉर्बेंट हैं और इसमें ऐसी वेंटिलेटर बना दिए हैं देसी से। और यहाँ पे देख लें आप, ये सुकून से अपना खा पी के पीछे चले जाएंगे और वहाँ ये सोए रहेंगे सारा दिन। इस तरफ भी वेंटिलेटर, ये बड़े बड़े मोरे छोड़े हुए हैं, तो इस किस्म का ये एक छोटा सा सेटअप बनाया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। और ये इनमें से जो इसका देखें, बड़े सियाने से हो गए हैं, जिनका सर फंस जाए वो तरीके से फिर साइड से करके निकाल भी लेते हैं। और इसके इसका सर थोड़े से सींग बड़े हैं, तो पहले इसने गलती से इससे भी ऊपर वाली मोरी से सर घुसाया था लेकिन नीचे पहुंच नहीं पा रहा था, फिर उसने साइड से निकाल के फिर अब इसमें से करीब होके ज़रा आ गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सेटअप, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।